Now let us start the topic Venn diagrams. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर लॉजिकल एबिलिटी, समझने के लिए कि हो क्या रहा है. ठीक है, तो बेसिकली करते क्या हैं इसमें, डायग्राम्स बनाते हैं. ठीक है, लेट अस कंसिडर इट विद टेकिंग एन एग्जाम्पल. मुझे निकालना है प्रॉबिलिटी सच दैट टू इवेंट्स ए एंड बी अगर साइमल्टेनियसली, मतलब इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन. अगर हम नॉर्मल अपनी मैथ्स की टर्म में बात करें, सो इफ यू से प्रॉबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स ए एंड बी बोथ ऑफ देम अकर एट द सेम टाइम. इसका मतलब है बोथ अकर एट सेम टाइम. ठीक है, ये इसका मतलब है. तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा, सो व्हाट विल बी द वेन डायग्राम ऑफ दिस थिंग. ये अगर मैं कहता हूं मेरा जो मेरा ये वाला सर्कल बनाया दिस इज ए एंड दिस सर्कल इज बी, सो इनमें कुछ कॉमन रीजन आ रहा है. इसमें हो क्या रहा है, ए बी अकर कर रहा है और बी बी अकर कर रहा है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड, ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, ये हमें चाहिए था. तो शेडेड रीजन इज योर आंसर टू ए इंटरसेक्शन बी वेयर बोथ द इवेंट्स विल अकर एट द सेम टाइम. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड, ए यूनियन बी. ठीक है, ए यूनियन बी का डायग्राम देखते हैं. ए यूनियन बी, बेसिकली यूनियन का मतलब क्या होता था, और या तो ए अकर करना चाहिए या फिर ए, बेसिकली इन दोनों में से कोई ना कोई एक इवेंट अकर करना चाहिए. हो सकता है दिस माइट बी पॉसिबल इन दिस थिंग कि दोनों अकर करते हैं साइमल्टेनियसली, बट एटलीस्ट एक इवेंट अकर करना चाहिए. यहाँ क्या था, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए. यहाँ क्या है, एटलीस्ट वन. एटलीस्ट वन मीन्स इधर वन और बोथ ऑफ देम. तो बेसिकली क्या हुआ, ए भी अकर कर सकता है, बी भी अकर कर सकता है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन. ठीक है, पहले अगर हम अभी डायरेक्ट वेन डायग्राम पे आ गए, अगर हम नॉर्मल बात करता मैं पी ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए, इज दिस द वेन डायग्राम में अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करता हूँ, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ऐसे एक और सर्कल बना दूंगा तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, अब देखो इसमें समझने बात करनी क्या है, आपको फॉर्मूला जनरेट करना है पी ए यूनियन बी का. पी ए यूनियन बी इज दिस एरिया, सो इजीली यू कैन से पी ए प्लस पी बी. पी ए कौन सा रीजन हुआ, देखो ये पहले वाला है सर्कल का जो पूरा एरिया है, पी बी क्या हुआ, ये पूरे वाले सर्कल का एरिया. बट इसमें अगर नोट करा जाए तो ये बीच वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दैट हैज बी काउंटेड ट्वाइस. एक बार पी ए के साथ काउंट हो गया और एक बार पी बी के साथ काउंट हो गया, दो बार प्रोबेबिलिटी काउंट हो गई इसकी. सो यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इट वंस. ठीक है, एक बार हटाना पड़ेगा. तो अगर एक बार हटा देता हूं तो एक बार, दो बार आ रहा था इनमें, एक बार हटा दूंगा नेट इफेक्ट क्या होगा, सिर्फ एक बार काउंट होगा. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. सो यू कैन लर्न दिस फॉर्मूला एज वेल. ये फॉर्मूला याद करना है. ठीक है, ये आया कहां से, ये आता है वेन डायग्राम्स की डेरिवेशन से प्रूफ करके. पी ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, थर्ड लेते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का डायग्राम बहुत आसान है. अगर मेरा ए इवेंट ये था तो मुझे चाहिए क्या, बेसिकली बाहर, उसके बाहर वाला एरिया. ठीक है ना, जो सर्कल में नहीं आ रहा. सो बेसिकली पी ए डैश इसलिए क्या हो जाता है, वन माइनस पी ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्कल हुआ, हम जो ये रेक्टेंगल बनाते हैं हम इसका मानते हैं कि जो इसका आंसर है दैट इज प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज वन. ठीक है, फोर्थ हम लेते हैं एक्सक्लूसिव केसेस. ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स. हमने एग्जॉस्टिव इवेंट्स की भी पहले बात करी थी. एग्जॉस्टिव इवेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर मैं मान लो तीन इवेंट्स लेता हूं, ऐसे ले लिया कुछ, एक तो क्या हो रहा है, देखो ए बी सी, तीन इवेंट्स लिए. एग्जॉस्टिव इवेंट्स का क्या मतलब होता है कि वो जो तीन इवेंट्स आ रहे हैं वो पूरे के पूरे रेक्टेंगल को कवर कर लेने चाहिए और आपस में एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करने चाहिए. सो इफ यू से पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू वन, बिकॉज या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर होगा, इस तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%, क्योंकि यही एक खुद में सैंपल स्पेस है. ठीक है, तो इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक तो अकर करेगा ही करेगा. नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ये क्या बोला गया था, दो इवेंट्स एक साथ अकर नहीं कर सकते. अगर एक अकर कर रहा है तो दूसरा एट अ टाइम अकर नहीं करेगा.
सो दैट मीन्स इसमें क्या हो जाता है, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, नल सेट, क्योंकि वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो यू विल नॉट हैव एनीथिंग विच इज लाइक दिस फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस. ये इवेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर हो गया तो दैट मीन्स वो दोनों एक साथ अकर कर सकते हैं, एंड दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया है, नल सेट है, सो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस व्हाट कैन वी से, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, बिकॉज माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे वो तो नल सेट है, वो जीरो ही आना है. ठीक है, और इसमें हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू वन इन केस ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स. और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही इक्वल टू वन हो जाएगा. ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी विल बिकम वन, जो कि एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन होती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल टेक द केस ओनली ए, मतलब उनमें से एक ही एग्जिस्ट कर रहा है. तो अगर मैं कहता हूँ और स्पेसिफिकली ए ही अकर कर रहा है, तो देखो डायग्राम क्या होना चाहिए, सिर्फ ये वाली चीज, बिकॉज अगर मैं ये रीजन ले लेता हूँ तो इसमें ये बी वाला पार्ट भी आ जाता है, एंड आई डू नॉट वॉन्ट दैट पार्ट टू अकर. सो इसको लिखते कैसे, ओनली ए पी इंटरसेक्शन बी नॉट, बी अकर नहीं करना चाहिए और सिर्फ ए अकर करना चाहिए. तो उसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ए इंटरसेक्शन बी बार, कि बी अकर ना करे. तो यहां से देख लो, बस यहीं से आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पी ए माइनस क्या करना है, ये वाला रीजन, एंड वी नो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. सो अगर ओनली बी की बात करेंगे तो ओनली बी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए बार विच इज पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बस ये केस हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट केस लेते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, तो वो देखो, उसका पहले वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए. ठीक है, एग्जैक्टली वन बोला है मतलब दो इवेंट्स नहीं हो सकते. So, इसका क्या केस होगा, देखो दिस इज द शेड, दिस शेडेड रीजन विल गिव यू द आंसर फॉर द क्वेश्चन. या तो ए ही हो सकता है या फिर बी हो सकता है, दोनों में से कोई सा एक केस. ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, फिर से इसमें मुझे ये वाला एरिया बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं. सो पी ए माइनस क्या हो जाएगा, पी ए में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस करता हूँ इंटरसेक्शन वाला दोनों का, तो आई विल गेट दिस रीजन वन, ये मेरा रीजन वन का आंसर आ गया. रीजन टू कैसे आएगा, इफ आई वॉन्ट टू हैव रीजन टू, दिस विल बी पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, नेट आंसर क्या हो जाएगा इन दोनों का, आई वॉन्ट एरिया वन प्लस एरिया टू, दिस विल बी पी ए प्लस पी बी माइनस ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी. सो दिस इज द आंसर व्हेन यू एग्जैक्टली हैव वन ऑफ देम, या तो ए या फिर बी. ठीक है, तो इनका आंसर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस टू टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में बनता है नन ऑफ देम, नन ऑफ ए एंड बी. ठीक है, तो लिखने का स्टाइल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, दोनों ही अकर ना करें. तो वेन डायग्राम में अगर देखा जाए तो बेसिकली एरिया है क्या, नहीं ए, ना ही ए चाहिए मुझे ना ही बी, तो इन दोनों के बाहर वाला रीजन, दैट मीन्स क्या हो गया, पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है, दिस इज द आंसर व्हेन यू डू नॉट रिक्वायर एनी ऑफ देम. ठीक है, अब यही काम हम तीन इवेंट्स के साथ करने की, देखेंगे तीन डायग्राम में वेन डायग्राम जो है कैसा बनता है तीन इवेंट्स के साथ. ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट इवेंट इज पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये तो देखना पड़ेगा कि है क्या चीज. ये ए हुआ और ये मेरे सी इवेंट हुए, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब हो गया, सो दैट ऑल ऑफ देम अकर साइमल्टेनियसली. वो अगर ढंग से देखा जाए तो सिर्फ ये वाला शेडेड रीजन है जहां पर ये तीनों इवेंट अकर कर रहे हैं, ए बी 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 और सी बी. सो दिस एरिया इज द आंसर फॉर दिस पार्ट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट पी ए यूनियन बी यूनियन सी, उसका क्या आंसर होगा. इसी डायग्राम में अगर मैं बनाऊं, बेसिकली ये सारा रीजन, ये वाला भी, ये वाला भी,
ये वाला ये सारे, ठीक है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई एक इवेंट तो अगर करना ही चाहिए। तो इसका आंसर अगर लिखना शुरू करें तो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये क्या मतलब हुआ, पी ए का मतलब क्या हुआ, ये पूरा सर्कल आ गया और पी बी में भी ये पूरा सर्कल आ गया। बट हुआ क्या, अगर ढंग से देखा जाए तो ये वाला जो एरिया था पी ए और पी बी का, ये दो बार रिपीट हो गया। मैंने एक बार पी ए में ऐड कर लिया, एक बार पी बी में ऐड कर लिया, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली पी बी और बी, और ये अगर मैं यहाँ नामकरण कर दूँ इनका, ये ए ये बी ये सी। इफ यू सी बी एंड सी का जो दिस इज द रीजन, दिस इसमें जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये अब दो बार ऐड हो गया बी में भी एंड सी में भी। सो अगेन आई हैव टू सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम द गिवन आंसर। और सिमिलरली केस होगा ए और सी का। बट अगर ढंग से नोटिस करा जाए इसमें क्या हुआ, क्या तीन बार मैंने उड़ा दिया, तो साइड बाय साइड क्या हो रहा है, देखो दोबारा डायग्राम बना के समझाता हूं। अब यहां पर तुमने दो बार ये चीज उड़ाई, दो बार एक बार ये चीज उड़ा दी और एक बार ये चीज उड़ा दी, ठीक है। तो हुआ क्या, इफेक्टिवली ये एरिया जो ये बीच वाला एरिया था, ये कितनी बार उड़ गया। तुम्हें ये क्या चाहिए, तुम्हें आंसर क्या चाहिए, ये फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, ठीक है। और क्या क्या चाहिए हमें, और ये सेवेंथ बीच वाला। पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या एरिया हो जाएगा, 1 और 5, ठीक है। और क्या करा आपने, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी भी उड़ा दिया, तो ये वाला एरिया में 5 भी उड़ गया, ठीक है। बट ये वाले का क्या हुआ, ये वाला अभी भी रह गया। ये क्या हो क्या रहा है, इफेक्टिवली ये एरिया इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड ट्वाइस, दो बार ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया। मुझे क्या चाहिए, इसको एक बार चाहिए था, सो मुझे इसलिए इसमें ऐड करना पड़ता है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। एक बार ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर लिया ये। थर्ड इज ओनली ए, ठीक है। ओनली ए का मतलब तीन इवेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ ए ही अकर कर रहा है। सो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला रीजन, देखो सिर्फ ये, क्योंकि अगर ये वाला रीजन ऐड करता हूँ, ये वाला रीजन ऐड करता हूँ, तो यहाँ बी भी आ रहा है और यहाँ पर सी भी आ रहा है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, आई नीड ओनली ए। इसको लिखेंगे कैसे, पी ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, क्योंकि ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे क्या रीजन चाहिए, पी ए में से अगर ये वाला रीजन माइनस हो जाए और ये वाला रीजन माइनस हो जाए, सो दिस इज बेसिकली नथिंग, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। बट हुआ क्या, इसमें दो बार ये रीजन माइनस हो गया, कॉमन वाला जो था इनका, एक पी ए इंटरसेक्शन बी के साथ और पी ए इंटरसेक्शन सी के साथ, सो दैट यू विल हैव टू ऐड अगेन। सो दिस इज द आंसर फॉर पी, मतलब ओनली ए। ऐसे ही सिमिलरली ओनली बी हो जाएगा, सिमिलरली ओनली सी हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है नेक्स्ट केस, एग्जैक्टली वन इवेंट अकर, एग्जैक्टली वन का पहले जो डायग्राम बनाते हैं, एग्जैक्टली वन मतलब या तो सिर्फ ए ही ए अकर करे, या बी ही बी अकर करे, या फिर सी ही सी अकर करे। तो बेसिकली ये वाला यही केस हो गया जब हमने ओनली ए निकाला था। नाउ इसमें क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन में ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी, इन तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट दी आंसर फॉर दी एग्जैक्टली वन पार्ट, ठीक है। नाउ वी हैव टू टेक द केस व्हेन एग्जैक्टली टू इवेंट्स अकर, सिर्फ एग्जैक्टली दो, मतलब एट अ टाइम एग्जैक्ट दो अकर करने चाहिए, दैट मीन्स ए और सी, ए और बी, बी और सी, क्योंकि अगर बीच वाला रीजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीनों एट द सेम टाइम अकर कर जाएंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए। बट इसमें देखा जाए वो क्या है, इसमें एक बार ये ऐड हुआ, इसमें एक बार ये वाला रीजन ऐड हुआ, इसमें भी एक बार ये रीजन ऐड हुआ, सब ट्राई करना पड़ेगा, ये कितनी बार, तीन बार बस, ठीक है। दिस इज योर आंसर फॉर एग्जैक्टली टू, अगर वो बोलता है एटलीस्ट टू, अगर वो बोलता है एटलीस्ट टू, तो एटलीस्ट टू में क्या हो जाएगा, देखते हैं।
दो होने चाहिए या फिर दो से ज्यादा। दो से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, अब इसमें ये सेंटर वाला पोर्शन भी ऐड हो सकता है। तो अभी तक आपने क्या निकाला था, एग्जैक्टली टू, इसमें क्या हो जाएगा प्लस व्हेन ऑल थ्री कैन अकर, तो प्लस क्या हो जाएगा एग्जैक्टली टू, आंसर में एग्जैक्टली टू प्लस जब वो तीनों अकर कर रहे हैं, तो आंसर में बस यहाँ चेंज आ जाएगा कि यहाँ माइनस टू टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन दी सेम। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट वेन डायग्राम्स। अभी देखते हैं कि वेन डायग्राम बनाने से क्वेश्चन में क्या सिंप्लीफिकेशन हो जाती है। ठीक है।